हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकेट लर्निंग। और आज हम समझेंगे फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, सेवेंथ क्लास का, जो कि है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये चैप्टर जो है वो आपको हर साल होता है, क्योंकि हर साल हम डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। देखिए, सेवेंथ क्लास में जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो होगा मेडिवल हिस्ट्री। सिक्स्थ क्लास में हमने जो हिस्ट्री पढ़ा था वो था एंशियंट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री तो भले अलग अलग है, लेकिन सोर्सेज जो है वो लगभग लगभग सेम ही होते हैं। देखते हैं हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो समझते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि वाटर, आपके घर में वाटर आता है, तो आपको बताना है कि वाटर के सोर्सेज क्या क्या है। सोर्सेज मतलब आपके घर में पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो आप कहोगे सोर्सेज मतलब आपके घर में पानी कहाँ से आता है। अगर मैं आपको पूछूँ तो आप क्या कहोगे कि पानी तो नल से आता है, टैप से आता है। ठीक है, फिर वो टैप में पानी कहाँ से आता है, तो रिवर से आता है। तो ये जो है टैप, रिवर, ये सब क्या हो गए, सोर्सेस ऑफ वाटर। सिक्स क्लास में हमने साइंस के टाइम पे सोर्सेस ऑफ लाइट पढ़े थे। लाइट जहाँ से भी मिलती है उसे हम सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। हमने सोर्सेस ऑफ साउंड पढ़े थे, साउंड जहाँ से भी निकलता है उसे हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ साउंड। जैसे डीजे से साउंड निकल रहा है, तो डीजे एक सोर्स हो गया साउंड का। वैसे ही हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मतलब जहाँ से हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है, जहाँ से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उसे हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। वी स्टडीड एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री लास्ट ईयर। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो हमने लास्ट ईयर यानी कि सिक्स क्लास में कौन सी हिस्ट्री पढ़ी थी, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी। लेकिन इस साल हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री। देखिए, जो हिस्ट्री है ना वो तीन टाइप की होती है। सबसे पहले तो होता है एंशियंट हिस्ट्री, फिर हम पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री, फिर हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये तीन टाइप की हिस्ट्री होती है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न। ठीक है, तो सिक्स क्लास में हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या होता है, 9th सेंचुरी कॉमन ईरा टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी कॉमन ईरा। तो 9th सेंचुरी से लेकर तो 18th सेंचुरी कॉमन ईरा तक मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। एक नंबर लाइन होती है, जैसे कि मैथ्स में नंबर लाइन होती है, वैसे हिस्ट्री में टाइम लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, पीछे जाएंगे तो -1 -2 आता जाता है, आगे जाएंगे तो +1 +2। यहाँ पे जो है, यहाँ पे डेट्स आती जाती है, यहाँ पे माइनस नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम पीछे जाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। और जीरो के जैसे ही आगे जाते हैं उसे हम कहते हैं CE मतलब कॉमन एरा। ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री जो है वो हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, 9th सेंचुरी से लेकर तो 18th सेंचुरी कॉमन ईरा तक। यहाँ पे कॉमन ईरा है मतलब यहाँ पे कहीं पे 9 होगा, 9th सेंचुरी कॉमन ईरा, सेंचुरी बोला गया है मतलब 900 हो गया यहाँ पे, सेंचुरी मतलब 100 ईयर। तो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 करते करते 900 तक, और फिर 18th सेंचुरी, यहाँ पे कहीं पे 1800 होगा, तो 1800 सालों तक। तो 900 से 1800 सालों तक जो भी हुआ कॉमन ईरा में, वो सब किस में आएगा, मेडिवल हिस्ट्री में। अच्छा, इसके पहले का जो भी था, यहाँ पे लगभग 3500 ईयर्स है जब हरप्पन सिविलाइजेशन आया था, तो वहाँ से तो 900 तक जो भी हुआ वो सब आता है एंशियंट हिस्ट्री में। और 1800 के जब हम आगे की तरफ जाएंगे कॉमन ईरा में, तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन ऑल एंशियंट हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक, 3500 BCE से लेकर तो 900 कॉमन एरा तक, CE तक। ये क्या हो गया एंशियंट हिस्ट्री। 900 कॉमन एरा से लेकर 1800 कॉमन एरा तक क्या हो जाएगा, मेडिवल हिस्ट्री। और 1800 कॉमन एरा से जो भी आगे का पार्ट है अब तक का, वो हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री के क्या सोर्सेस हैं, मतलब जो मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो हमें कैसे पता चली, उस टाइम पे हम तो थे नहीं, तो हमें पता कैसे चला, तो इसी सोर्सेस का यूज़ करके। सोर्सेस यानी वहाँ के कुछ हमें कॉइन्स मिले होंगे, वहाँ के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले होंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिले होंगे, तो उस सबसे उन सबको पढ़कर, उन सबको डिटेल में एनालिसिस करकर हमें पता चला है कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ करता था। हिस्ट्री गिव्स अस अ क्रोनोलॉजिकल साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री से हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में पता चलता है कि पास्ट में क्या क्या घटनाएं हुई है।
ठीक है, और सिर्फ पता ही नहीं चलता बल्कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता चलता है। क्रोनोलॉजी मतलब क्या हुआ, अगर कोई मौर्यन एम्पायर का एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, लाइक पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, फिर कौन आए, बिंदुसार आए, फिर कौन आए, अशोका आए, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया कि किसके बाद कौन आया। ठीक है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें कहाँ से पता चला, तो हिस्ट्री से पता चला। फिर साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अकाउंट भी हमें मिलता है, साइंटिफिक चीज़ें भी कुछ पता चलती है हमें, जैसे कोणार्क में एक सूर्य मंदिर है जिसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। तो उसमें कहा जाता है कि जो सूर्य देवता है वो हवा में पहले उड़ा करते थे, है ना, तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या हुआ, जब हमने हिस्ट्री पढ़ा तो हमें पता चला कि वो ऐसा हवा में फ्लोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेट्स लगे हुए थे, उन मैग्नेट्स की वजह से वो, उनकी जो मूर्ति है वो हवा में फ्लोट करती थी। और सिस्टमिक अकाउंट से हमें पता चलता है, यानी सिस्टम से पता चलता है कि उस टाइम के लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे, क्या क्या किया करते थे, वो हो गया सिस्टम पूरा। ठीक है, तो हिस्ट्री से हमें सब कुछ पता चलता है पास्ट इवेंट्स के बारे में। फ्यू फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, दे आर इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम्स, सॉरी फोर फैक्टर्स। तो हिस्ट्री पढ़ते हैं जब भी हम, तो चार फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से चार फैक्टर्स? सबसे पहला तो है इंडिविजुअल, मतलब लोग। तो हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट टाइम के लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि लोग कैसे थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, है ना। फिर सोसाइटी वहाँ की कैसी थी, लोग कहाँ पर रहते थे, कौन सा वो रिलीजन वगैरह फॉलो करते थे, ये सब आ गया सोसाइटी में। फिर प्लेस कि एक्चुअल में ये था क्या, लाइक हरप्पन सिविलाइजेशन हमने पढ़ा तो वो कहाँ पे था हमें पता है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में था, है ना। मौर्यन एम्पायर हमने पढ़ा, वो कहाँ पे था हमें पता है, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में था। फिर टाइम के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि ये कब से कब तक था, लाइक मिडिवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या है, जो मैंने आपको टाइमलाइन बताई, 9th सेंचुरी कॉमन ईरा से लेकर तो 18th सेंचुरी कॉमन ईरा तक, या 900 कॉमन ईरा से लेकर तो 1800 कॉमन ईरा तक। तो हम चार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री पढ़ते वक्त, कौन कौन सी, इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम। हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ्स। अब जब भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने उठा के पढ़ लिया, कोई भी बुक हमने उठा के पढ़ लिया और उसको सही मान लिया। देखिए, बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो रॉन्ग भी होती है, इसीलिए जब भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसके प्रूफ तक जाना चाहिए, उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए और उसके जो प्रूफ्स वगैरह लिखे होते हैं उसे भी पढ़ना चाहिए। जो हिस्टोरियंस होते हैं, अगर उन्हें कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो बुक में जब छापते हैं ना, तो उसके पहले उन्हें उसका प्रूफ देना पड़ता है कि आपको ये कहाँ से पता चला, ताकि आगे वाली जनरेशन जब हम पढ़े तो वो रियल हमें पता चले, ना कि फेक बातें। कई हिस्टोरियंस क्या करते हैं, फेंकते भी रहते हैं, है ना, कि ऐसा हुआ, लेकिन वो कुछ रियल होता नहीं है। तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये ज़रूरी है कि ऑथेंटिक एविडेंस, यानी ऑथेंटिक मतलब जिस पर हम विश्वास कर सकें, ऐसे प्रूफ्स, ठीक है, ऑथेंटिक एविडेंस या प्रूफ्स हमें पता चले और उसके बेस्ड पर ही हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। दिस प्रूफ्स आर नोन एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, और यही जो प्रूफ है इन्हें हम क्या कहते हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हम किसे कहते हैं, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री जो है वो ऑथेंटिक प्रूफ्स पर बेस्ड होती है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे अगर गुप्ता डायनेस्टी है, एक डायनेस्टी है गुप्ता डायनेस्टी, और गुप्ता डायनेस्टी के कोई राजा थे, मान लीजिए समुद्रगुप्त उनका नाम था, और मैं कहती हूँ कि जो समुद्रगुप्त थे उनको वीणा बजाने का शौक़ था। वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक़ था, ये मैंने कह दिया जाके किसी से। अब सामने वाला क्या बोलेगा, मुझे प्रूफ दो, मैं तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करूं? तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कि समुद्रगुप्त के टाइम के हमें कुछ कॉइन्स मिले हुए हैं और उन कॉइन्स पे समुद्रगुप्त का फोटो है जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। तो ये जो मैंने बताया कॉइन्स का, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और ये जो कॉइन है ये क्या हो गया, ये प्रूफ था, और यही क्या है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री था। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री आपको समझा, जो भी प्रूफ्स होते हैं जिस पे हम विश्वास कर सके, उन्हीं प्रूफ्स को हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। लेट अस क्लासिफाई दीज सोर्सेज इंटू मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज टू लर्न मोर अबाउट देम। लेट अस ऑल्सो इवेल्यूएट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं उन्हें हम तीन भागों में क्लासीफाई करते हैं। पहला तो है मटेरियल सोर्सेज,
मटेरियल सोर्सेस क्या होते हैं, जो भी आपको आसपास मटेरियल दिख रहा है, जैसे कॉइन्स हो गए, कुछ पुरानी बुक्स हो गई, है ना, कुछ पुरानी चीज़ें हो गई, कुछ पुराने बिल्डिंग्स हो गए, ये सब आते हैं मटेरियल सोर्सेस में जिनको आप टच कर सकते हो। फिर दूसरे आते हैं रिटर्न सोर्सेस में। रिटर्न सोर्सेस में क्या क्या हो सकता है, जहाँ पे भी आपको लिखा हुआ कुछ मिल गया, सॉरी बुक्स मटेरियल में नहीं, बुक्स आएंगी रिटर्न सोर्सेस में, जहाँ पे भी आपको लिखा हुआ कुछ मिल गया, लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे लिखा होता है, इंस्क्रिप्शंस पे लिखा होता है, रिटर्न सोर्सेस में आ जाएंगे वो। और तीसरी चीज़ होती है ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस यानी क्या, कुछ फोक सॉन्ग्स होते हैं जो हम ज़माने से गाते आते हैं, बट एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि वो फोक सॉन्ग बनाया किसने था, लेकिन उनमें हिस्ट्री का भी कुछ होता है, उनमें कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिसके बारे में उनके लिरिक्स पढ़कर हमको हिस्ट्री का नॉलेज मिल जाता है। लाइक कोई आरती सॉन्ग ले लेते हैं, जैसे हनुमान चालीसा है, आरती सॉन्ग में हनुमान चालीसा है, तो वो लिखा था तुलसीदास ने, राइट। हनुमान चालीसा किसने लिखा, तुलसीदास ने। तो जब हनुमान चालीसा लिखा गया तो उनमें ऐसी कुछ लाइंस है कि हनुमान भगवान जो थे वो राम जी को मानते थे या लक्ष्मण जी के साथ रहते थे, ऐसी कुछ लाइंस है उसमें कि उन्होंने पर्वत उठाया था। तो ये सब पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला, उनके टाइम की हिस्ट्री के बारे में कि वो कैसे थे, है ना। तो ये ओरल सोर्सेस हो गया कि हमें उनके बोलने के बाद पता चलता है। और कुछ एपिक्स भी हैं जैसे महाभारत और रामायण है, ठीक है। ये जो थे, ये जब हुए थे रामायण और महाभारत, तो बहुत टाइम तक लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, बहुत टाइम तक ये ओरली एक माउथ से दूसरे माउथ लोग इसको बताते थे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताते जाते थे, और कुछ सेंचुरीज के बाद इसको पेपर पे लिखा गया। तो जब तक इसको नहीं लिखा गया था तब तक ये क्या थे, ओरल सोर्सेस थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मटेरियल सोर्सेस, फिर हम पढ़ेंगे रिटर्न सोर्सेस, और फिर हम पढ़ेंगे क्या, हमारे ओरल सोर्सेस। तो वी हैव टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट दैट वी वॉन्ट टू स्टडी। तो हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं जो हमें स्टडी करने हैं। जैसे हमें कोई टाइम है, कोई एंशियंट टाइम है, उसकी हमें स्टडी करनी है, तो क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, उनके सोर्सेस को स्टडी करना पड़ेगा, है ना। अलग अलग टाइप के सोर्सेस हो सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट आर स्टडी विथ हिस्टोरिकल सोर्सेस। तो हिस्टोरिकल सोर्सेस का यूज़ करके हम हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं, वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ, यानी प्रूफ के साथ। दिस सोर्सेस हैव टू बी वेरीफाइड। और ये जो सोर्सेस हैं उनको वेरीफाई करना चाहिए कि वो सही लिखा है या सही नहीं लिखा है। वी हैव टू सी वेदर दे आर ऑथेंटिक। इट इज़ नेसेसरी टू यूज दिस सोर्सेस जुडिशियसली एंड ओनली आफ्टर अ क्रिटिकल एनालिसिस। तो इन सोर्सेस की सच्चाई को हमें पता लगाना चाहिए कि ये सोर्सेस सही है या नहीं है, और साथ ही सोर्सेस को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो जुडिशियसली यानी बुद्धि से काम लेना चाहिए और उनका क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। उनको अच्छे से स्टडी करना चाहिए हमें, और उसके पीछे के प्रूफ को भी स्टडी करना चाहिए। फोर्ट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग मटेरियल सोर्सेस। तो यहाँ से हमारे मटेरियल सोर्सेस स्टार्ट होते हैं। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मटेरियल सोर्सेस, फिर हम पढ़ेंगे रिटर्न सोर्सेस, और फिर हम पढ़ेंगे ओरल सोर्सेस। तो यहाँ से मटेरियल सोर्सेस स्टार्ट होते हैं। फोर्ट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग मटेरियल सोर्सेस। तो जो फोर्ट्स है, फोर्ट्स मतलब किले। अब जो राजा महाराजा थे पिछले टाइम के, वो क्या करते थे, उनका कोई भी एरिया है, मान लीजिए ये मौर्यन एम्पायर का एरिया है, तो वो क्या करते थे, अपने एरिया के चारों तरफ फोर्ट्स बना लेते थे, बड़ी बड़ी दीवारों से फोर्ट्स बना लेते थे। अच्छा, ये क्यों बनाते होंगे, तो सबसे मेन रीज़न तो था प्रोटेक्शन, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो इन पे आके अटैक ना कर सके। तो वो जो फोर्ट्स वो बनाते थे किस लिए बनाते थे, प्रोटेक्शन के लिए। इस और वो जो फोर्ट्स है वो अभी तक वैसे के वैसे हमें मिले हैं सोर्सेस के रूप में, और ये जो फोर्ट्स है वो मटेरियल सोर्सेस है, क्योंकि उन्हें हम टच कर सकते हैं, बिल्डिंग्स में आ गए ना ये, तो ये क्या है, मटेरियल सोर्सेस है। सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन। अब ये जो फोर्ट्स है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहला तो हिल फोर्ट्स जो हिल के पास में है, हिल यानी छोटे छोटे पहाड़ जो हिल के पास में है उन्हें हम कहेंगे हिल फोर्ट्स। जो फॉरेस्ट के पास में बनाए गए हैं उन्हें हम कहेंगे फॉरेस्ट फोर्ट्स। जो सी के पास में है, नदी के पास में है या ओशियन के पास में, उन्हें सी फोर्ट्स कहेंगे, कई बार उसके बीच में भी बनाए जाते हैं। और प्लेन लैंड पे जो फोर्ट्स है उन्हें हम कहेंगे प्लेन लैंड फोर्ट्स या फोर्ट्स ऑन प्लेन्स। मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग समाधिस, ग्रेव्स, वीरगाला एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड पैलेसेस, मिनिस्टेरियल मैंशंस, क्वीन क्वार्टर्स एंड ऑल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल। समाधि मतलब
टेम्पल्स होते हैं जो फोर्ट्स की तरह, सॉरी फोर्ट्स नहीं, जो ऐसे टोम के जैसे दिखते हैं, है ना, वैसे वाले जो टेम्पल्स हैं उनको समाधिस कहते हैं। कई बार जो ग्रेट पर्सन है उनके ग्रेव्स बनाए जाते हैं, ग्रेव्स मतलब जिसे हम कब्र कहते हैं, उनको दफनाया जाता है, उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा जाता है कि वो कब से कब तक थे, है ना। फिर वीर गाला होते हैं, वीर गाला क्या होते हैं, ऐसे स्टोन के कुछ बने हुए होते हैं, उस पे जो शहीद हो जाते हैं आर्मी के लोग या सोल्जर्स, उनका फोटो या उनका नाम वगैरह इस पे लिखा जाता है, जिसे वीर गाला कहते हैं। यहाँ पे वीर गाला का आपको इमेज दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही इनके फोटोज बनाए गए हैं कुछ ग्रेट पर्सन्स के, तो इन्हें वीर गाला कहते हैं। फिर ये सब जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं, और साथ ही कुछ बिल्डिंग्स भी हैं, जैसे कि पैलेसेस, राजमहल, है ना, राजाओं के बड़े बड़े पैलेसेस हुआ करते थे। फिर मिनिस्टेरियल मैंशंस, मतलब मिनिस्टेरियल मतलब मंत्री लोगों के लिए, जो भी मिनिस्टर्स थे उनके अलग से मैंशंस हुआ करते थे, तो ये भी आ गए किसमें, बिल्डिंग्स में। फिर क्वींस क्वार्टर, जो रानी है, क्यों क्वीन है, उसके लिए अलग से कई बार रानी महल बनाया जाता था, तो वो हो गया क्वीन क्वार्टर, या उसको रानी वास भी कहते थे, रानी का निवास, निवास यानी रहने की जगह, दैट इज रानी वास। एंड ऑल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल, और जो कॉमन पीपल के हाउसेस हैं वो भी आ गए मॉन्यूमेंट्स में। तो ये मटेरियल सोर्सेस हम पढ़ रहे हैं, मटेरियल सोर्सेस में हमने एक टाइप देखा मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। पहले तो हमने देखा फोर्ट्स, फोर्ट्स आ गए मटेरियल सोर्सेस में, फोर्ट्स के टाइप देखे। दूसरा हम देख रहे हैं मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, समाधिज आती है मतलब टेम्पल्स, ग्रेव्स आते हैं मतलब कब्र, वीर गाला आते हैं मतलब स्टोन के पिलर्स। फिर बिल्डिंग्स भी आती हैं, जैसे पैलेस हो गए, मिनिस्टेरियल मैंशंस, क्वीन क्वार्टर्स, ये सब आते हैं मॉन्यूमेंट्स में। फिर दे ऑल प्रोवाइड इनसाइट अबाउट दैट पीरियड, ये सब जो है मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, ये सब उस पीरियड की इनसाइट्स देते हैं, मतलब उस पीरियड के बारे में हमें नॉलेज देते हैं। लुकिंग एट देम वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, द इकोनॉमिक कंडीशंस, द क्वालिटी ऑफ आर्ट, स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो इन सब को देख कर हमें क्या क्या पता चल जाता है, जो भी फोर्ट्स है, जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, इन्हें देखकर हमें पता चलता है कि उस टाइम पे आर्किटेक्चर कैसा था। आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग्स को बनाने का जो तरीका होता है, जो सुंदरता होती है, उसे आर्किटेक्चर कहते हैं। तो आर्किटेक्चर उस टाइम पे कैसा था वो हम देख सकते हैं। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी उस टाइम पे, इकोनॉमी मतलब पैसे से रिलेटेड कंडीशंस। फिर आर्ट की क्वालिटी किस तरह थी, आज का आर्ट जो हम बनाते हैं आर्किटेक्चर या जो भी पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, वो आज का बेटर है या उस टाइम का, तो उस टाइम के बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हमें मिले हैं जो कि दीवारों पर बनाए गए हैं। स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिल्डिंग्स किस तरह से बनाई जा रही है, किस तरह कंस्ट्रक्ट की जा रही है, साथ ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग किस तरह से रहते थे, ये भी हमें सारी जानकारी मिलती है मटेरियल सोर्सेस से अब जो मटेरियल सोर्सेस हैं उनमें क्या क्या आता है, सबसे पहली बात, जो मटेरियल सोर्सेस हैं उनको फिजिकल सोर्सेस भी कहा जाता है क्योंकि हम उन्हें टच कर सकते हैं। तो मटेरियल सोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल सोर्सेस। अब मटेरियल सोर्सेस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमने पढ़ा फोर्ट्स, फोर्ट्स हम पढ़ते हैं, हमने देखा टाइप ऑफ फोर्ट्स भी होते हैं अलग अलग। फिर हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर मेमोरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, मेमोरियल मतलब ऐसी प्लेसेस जो किसी की मेमोरी में बनाई गई हैं, जैसे ताजमहल, वो किसी की मेमोरी में बनाया गया था, जो मुमताज महल है उनकी मेमोरी में बनाया गया, तो वो एक मेमोरियल हो गया। रेड फोर्ट, वो किसी की मेमोरी में अगर बनाया जाता तो वो भी क्या होता, मेमोरियल। फिर केव स्कल्पचर्स, केव में जो भी स्कल्पचर्स दिखते हैं आपको, केव में जो भी डिज़ाइंस वगैरह दिखती हैं वो आ गया केव स्कल्पचर में, जैसे अजंता एलोरा है महाराष्ट्र में, ठीक है, वो केव स्कल्पचर है। फिर इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मतलब क्या होता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मैन्यूस्क्रिप्ट और एक होता है इंस्क्रिप्शन। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ लिखी हुई मिलती है, जैसे बुक्स पे लिखा हुआ मिलता है ना, तो वो हो गया मैन्यूस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ होता है लेकिन ये एक्चुअली लिखा नहीं होता, ये कुरेदा हुआ होता है, जैसे कोई स्टोन का पिलर है उस पर कुरेद कुरेद के कुछ लिखा गया है, या फिर कोई ट्री का बार्क है उस पर भी कुरेद के हमने कुछ लिखा है, उसको क्या कहेंगे, इंस्क्रिप्शन। तो
तो हमें फिजिकल सोर्सेज जो हैं उसमें हम इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ते हैं, पुराने टाइम के जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जैसे अशोका के टाइम पे बहुत सारे रॉक इंस्क्रिप्शंस मिले थे, रॉक पे उन्होंने बहुत कुछ कुरेद कुरेद के लिखा था और उसको हर जगह पे रख दिया था ताकि बुद्धिज़्म को वो स्प्रेड कर सके। फिर कॉइन्स की स्टडी हम करते हैं, जो पुराने टाइम के कॉइन्स हैं वो भी किस में आ गए, मटेरियल सोर्स में। साथ ही कॉपर की जो प्लेट्स हैं वो भी आती है मटेरियल सोर्स में। पहले कॉपर की प्लेट्स को यूज़ किया जाता था इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, लाइक एक राजा है उसको दूसरे राजा को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो कॉपर की प्लेट्स पे वो सब लिख लिख के फिर उनको भेजते थे लेटर के जैसे, ठीक है। तो ये सारे जो है ये है मटेरियल सोर्सेस या फिजिकल सोर्सेस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डू कॉइन्स नरेट हिस्ट्री। अब जो कॉइन्स हैं हमें पता है कॉइन्स क्या है, मटेरियल सोर्सेज है, लेकिन कॉइन्स से हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, कॉइन्स हमें हिस्ट्री कैसे बताते हैं। तो एक एग्जांपल देते हैं हम कि हमने एक टाइप के कॉइन्स है, ठीक है। तो एंशियंट टाइम जो था उसमें कॉइन्स इस तरह बनाए जाते थे कि कॉइन के एक साइड पे तो क्या होता था, गॉड का फोटो होता था, जिस भी गॉड को जिस भी डाइटी को वो मानते हैं उसका फोटो, और दूसरे साइड पे राजा का फोटो होता था यानी किंग का फोटो होता था, साथ ही किंग का नीचे नाम लिखा हुआ होता था, ठीक है। तो अगर हमें उस टाइम का कोई कॉइन मिलता है और उस में हम क्या देखेंगे, हम किंग को देखेंगे कि किंग का जो नाम है वो क्या लिखा हुआ है, साथ ही किंग कौन था ये हमें पता चल जाएगा, और उन वो किस गॉड को मानते थे ये भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में हमें पता चल गया किसको देखकर, कॉइन को देखकर। साथ ही जो कॉइन है वो किस चीज़ से बना हुआ है ये हम देखेंगे। अगर मान लीजिए कॉइन जो है वो कॉपर से बना हुआ है तो हमें क्या पता चल सकता है कि उस टाइम पे कॉपर मिलता था और ये लोग कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो इस तरह से कॉइन को देखकर हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सिंस एंशियंट टाइम्स कॉइन्स लाइक कवड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, आना एंड रूपी वेयर यूज्ड। सम लोकल आइटम्स और प्रोवर्ब्स आर बेस्ड ऑन कॉइन्स। अब एंशियंट टाइम्स में जैसे आज हम यूज़ करते हैं क्या, रुपीज़ यूज़ करते हैं, फिर 100 रुपीज़, फिर हम क्या करते हैं 1000 यूज़ करते हैं, फिर लाख यूज़ करते हैं, फिर करोड़ यूज़ करते हैं, मिलियन यूज़ करते हैं, बिलियन यूज़ करते हैं ना। तो वैसे ही एंशियंट टाइम्स में कॉइन्स कैसे यूज़ करते थे, ऐसे कवड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, आना है ना, और रुपी, ये यूज़ करते थे ये लोग एंशियंट टाइम्स में। इसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, लाइक 1 रुपी जो है, 1 रुपीज़ जो है वो इक्वल होता है 100 पैसा को, ये तो हमें पता है 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, है ना। और जो 1 रुपी है वो अगेन 1/60 ऑफ आना होता है, सॉरी 1 आना जो है वो होता है 1/60 ऑफ रुपी, यानी 1 रुपी को अगर आप 60 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दोगे तो बनेगा 1 आना। तो ऐसे ही दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, ये आप लोग देख सकते हो कि कितना कितना होता है ये 1 रुपी के हिसाब से। फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रोवर्ब्स दिए गए हैं जो यूज़ किए जाते थे, 1 फुट की कौड़ी देना नहीं। यहाँ पे 1 फुट की कौड़ी मीन्स द लोएस्ट बिट ऑफ मनी, जो कौड़ी था ना कहाँ गया, ये रहा, ये सबसे छोटा माना जाता था। आज के टाइम पे सबसे छोटा क्या होता है, 1 रुपीज़ है ना, ये सबसे छोटा है। और जो 50 पैसा होता है, 10 पैसा होता है, ये तो आजकल चलता नहीं है। तो 1 रुपीज़ हमारा सबसे छोटा करेंसी है। वैसे ही उस टाइम का छोटा करेंसी क्या था, कौड़ी। तो यहाँ पे बोला है 1 फुट की कौड़ी देना नहीं है। कुछ लोग हैं जो नॉर्मल लोकल लाइफ में यूज़ किया करते थे, आज भी कहते हैं कि तुला 1 फुट की कौड़ी पन भी देना नहीं, ऐसा कहीं तरी मानता था हमें मराठीत, ठीक है। फिर 16 आना सच, ये एक कहावत है कि अगर कोई चीज़ किसी ने कह दी और हमें बहुत ही सही लगी तो हम कहते हैं एकदम 16 आना सच बात तूने कही है ना, मतलब 100% ट्रू तूने कहा है। तो यहाँ पे आना का यूज़ हुआ। तो ऐसे ये जो सारी चीज़ें थी इनका प्रोवर्ब्स में यूज़ होता था। द कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, यहाँ पे हम मिडिवल टाइम की बात करें तो मिडिवल टाइम में भी क्या होता था, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का यूज़ करके कॉइन्स बनाए जाते थे, और उन्हीं कॉइन्स को स्टडी करके हमें हिस्ट्री का नॉलेज मिलता है। फ्रॉम दिस कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स, देयर पीरियड, गवर्नेंस, रिलीजियस आइडियाज। तो कॉइन्स से ही हमें क्या क्या पता चलता है कि रूलर्स कौन कौन थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉइन्स में रूलर का यानी किंग का फोटो होता था। फिर उनका पीरियड कहाँ से कहाँ तक था कई बार वो भी कॉइन्स में लिखा जाता था,
फिर गवर्नेंस, उस टाइम पे गवर्नेंस यानी पॉलिटिक्स कैसा था उस टाइम पे, रिलीजियस आइडियाज़ क्योंकि गॉड का फोटो था कॉइन पे तो वो कौन से गॉड को मानते थे, उनके रिलीजियस आइडियाज़ कैसे थे, ये हम देख सकते हैं कॉइन्स की मदद से। पर्सनल डिटेल्स के बारे में भी जान सकते हैं हम कॉइन्स का यूज़ करके कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो समुद्रगुप्त थे उनका वीणा बजाते हुए कॉइन में फोटो था, तो ये पर्सनल डिटेल हो गया कि उनको क्या हॉबी थी। सिमिलरली वी ऑल्सो लर्न अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। तो ऐसे ही उस टाइम के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैसे होते थे, मतलब उस टाइम पे फ़ोन पे और गूगल पे तो था नहीं कि वो लोग एक चुटकी में ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे, है ना, तो उस टाइम पे कोई सिस्टम होगा ट्रांसफ़र करने का, तो वहाँ पे दूत होते थे, राजदूत जिन्हें हम कहते हैं, उनकी मदद से ये लोग ट्रांसफ़र करते थे पैसे। इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, इकोनॉमिक कंडीशंस उस टाइम पे कैसी थी ये भी हम स्टडी कर सकते हैं कॉइन्स का या मटेरियल सोर्सेज का यूज़ करके। वी ऑल्सो सी हाउ फार मेटलर्जी हैड एडवांस्ड इन दिस पीरियड। मेटलर्जी मतलब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, है ना, क्योंकि उस टाइम पे हमें कॉपर के कॉइन्स मिले, एल्यूमिनियम की चीज़ें मिली, सिल्वर के कॉइन्स मिले, गोल्ड की प्लेट्स मिली हैं, तो ये सब से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे मेटल डेवलप था। देखिए ज़मीन में जब हमें मेटल्स कहाँ से मिलते हैं, ज़मीन से मिलते हैं, ठीक है, तो ज़मीन से जब हम मेटल निकालते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो इम्प्योर होता है, तो इम्प्योर जो होता है उसे हम कहते हैं ओर, और इस ओर को जब हम बाहर निकालते हैं इस पर थोड़ा सा प्रोसेस होता है तो ये फाइनली अच्छा खासा साफ सुथरा मेटल बन जाता है, फिर हम उसे कहते हैं मेटल है। जैसे कॉपर नहीं, एल्यूमिनियम निकालना है तो एल्यूमिनियम का जो है ज़मीन से निकाला जाता है तो उसे बॉक्साइट कहते हैं, तो बॉक्साइट क्या हो गया, एक ओर हो गया एल्यूमिनियम का, इसको जब बाहर निकालेंगे उस पर प्रोसेस करेंगे तो बॉक्साइट से क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ओर से मेटल बनाने की, इसी को कहा जाता है मेटलर्जी, साइंस में आप लोग पढ़ोगे ये। तो मेटलर्जी भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी उस टाइम पे, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली ओर्स के नहीं बल्कि इन्होंने मेटल्स के प्लेट्स बनाए थे। फ्रॉम द इमेजेस ऑफ राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्परर अकबर और शिवा पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोस डेज। तो हमें कुछ कॉइन्स मिले हैं जिन पर राम सीता के इमेजेस थे और ये कॉइन्स अकबर के टाइम के थे, साथ ही जो हैदर अली थे इनके टाइम पे हमें शिवा पार्वती वाले इमेज वाले कॉइन्स मिले हैं। द पेशवास यूज द अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स, दिस थ्रोस लाइट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड। अब जो पेशवा होते थे, पेशवा बाजीराव आपने मूवी देखी होगी, ठीक है, तो मराठा एम्पायर भी हम पढ़ेंगे आगे, तो जो पेशवा लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, अपना कॉइन्स पे वो लोग पर्शियन लैंग्वेज में या अरेबिक लैंग्वेज में कुछ कुछ लिखा करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जब पेशवाओं का रूल था उस टाइम पे ये लोग अरेबिक लैंग्वेज या पर्शियन लैंग्वेज यूज़ करते थे। फिर एन इंस्क्रिप्शन इज अ कार्विंग ऑन अ स्टोन अ वॉल एक्सेट्रा। यहाँ पे मैंने आपको बताया दो चीज़ें होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट तो वो होता है जो लिखा हुआ होता है, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ होता है इंक वगैरह का यूज़ करके। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो कार्व्ड किया होता है यानी कि कुरेद कुरेद कर लिखा होता है। तो इंस्क्रिप्शन इज अ कार्विंग, किस पे कार्व करेंगे, स्टोन पे, दीवार पे, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द बृहदेश्वरा टेम्पल प्रिमाइसेस इन तंजावुर। तो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं तंजावुर से, तंजावुर जो है एक प्लेस है जो कि फेमस है इस टेम्पल के लिए, बृहदेश्वरा टेम्पल के लिए। तंजावुर जो है वो तमिलनाडु में एक प्लेस है इंडिया में, और ये बृहदेश्वरा टेम्पल के लिए फेमस है, और बृहदेश्वरा टेम्पल जो है उसके प्रिमाइसेस से, उसके आंगन से हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ऐसे ही, जिस पे काव करके लिखा गया था। मैनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य। ओके, यहाँ पे कॉइन्स का आपको फोटो दिया है, पेशवा पीरियड में कॉइन्स है अरेबिक लैंग्वेज में, ये कुछ यहाँ पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हैदर अली के कुछ कॉइन्स है जिसमें हमने देखा शिवा पार्वती का इमेज था, तो ये रहा वो, ठीक है। फिर मैनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोला एंड यादव किंग्स हैव बीन फाउंड। कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं अलग अलग डायनेस्टी से, जैसे राष्ट्रकूट डायनेस्टी से, चोला डायनेस्टी से, यादव डायनेस्टी से, जिसको स्टडी करके हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। एन इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इंस्क्रिप्शन जो है उसको बहुत ही रिलायबल सोर्स माना जाता है और इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है हिस्ट्री का, क्योंकि इंस्क्रिप्शन को अगर हम पढ़ेंगे
तो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो राइट ही होगा, है ना, क्योंकि कोई फालतू फालतू तो काव करके लिखेगा नहीं. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टूड फीचर्स लाइक द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ ऑफ पीरियड. तो हमें इंस्क्रिप्शंस की मदद से लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है और सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है. लैंग्वेज यानी जो हम बोल रहे हैं, जैसे आई एम टॉकिंग, जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हिंदी में जो बात कर रही हूँ मैं वो लैंग्वेज हो गई. लेकिन जो हम हिंदी ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो ये वाली जो हिंदी है वो है, इसकी स्क्रिप्ट क्या है, वो है देवनागरी स्क्रिप्ट, है ना. फिर हम इंग्लिश बोलते हैं, तो मैंने इंग्लिश में लिखा ENGLISH, तो ये तो लैंग्वेज. इफ़ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश देन इट विल बी इंग्लिश लैंग्वेज. लेकिन जब मैं इंग्लिश लिख रही हूँ तो ये जो लेटर्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक स्क्रिप्ट में होते हैं. कौन सी स्क्रिप्ट में है, ये रोमन स्क्रिप्ट है इसकी. वैसे ही उनकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में हमें पता चलता है. इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन शीट्स ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स. रॉयल एडिक्ट्स, वर्डिक्ट्स एक्सेट्रा आर इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स. अब जो इंस्क्रिप्शंस कॉपर की शीट्स पर काफ किए गए हैं उनको कॉपर प्लेट्स कहा जाता है, ठीक है. कॉपर की शीट्स होती हैं, उस पर अगर कुछ कार्विंग करके लिखा गया तो उन्हें हम कहते हैं कॉपर प्लेट्स. फिर कॉपर प्लेट्स पर लिखा क्या जाता था, एक्चुअल में वो रॉयल एडिक्ट्स और वर्डिक्ट्स होते थे. रॉयल एडिक्ट्स मतलब रॉयल ऑर्डर्स, राजा को अगर कुछ ऑर्डर देना है प्रजा को तो वो कॉपर की प्लेट्स पर लिख देते थे और उसको जगह जगह पर लगा देते थे. और वर्डिक्स मतलब उनके जो भी एडवाइजेस वगैरह हैं या ऑर्डर्स में ही आते हैं ये भी, वो सब जो है वो किस पे लिखेंगे, कॉपर प्लेट्स पे. फिर देखते हैं मटेरियल सोर्सेस. यहाँ पे आपको सारे मटेरियल सोर्सेस बताए गए हैं कि मटेरियल सोर्सेस में क्या क्या आता है. तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे चैत्यास है, विहारास है, टेम्पल्स है. चैत्यास क्या होते हैं, चैत्यास आर लाइक प्रेयर हॉल, ठीक है. जो बड़े बड़े प्रेयर हॉल होते थे उनको चैत्यास कहते थे. विहारास क्या होते हैं, जहाँ पे जो क्राइस्ट हैं या फिर बुद्धिस्ट मॉन्ग्स हैं, जो भी साधु संत हैं, वो यहाँ पे रहते थे. तो ये रहने के जहाँ पे वो रहते थे उनको कहा जाता था विहारास. और जहाँ पे वो प्रेयर करते हैं, टेम्पल्स जो होते हैं उनके, उनको कहा जाता है चैत्यास. अब ये चैत्यास दो चीज़ों के लिए यूज़ हुआ करते थे, एक तो प्रेयर करने के लिए, ठीक है, और दूसरा चैत्य का क्या यूज़ था, यहाँ पे वो लोग रिलीजन से रिलेटेड डिस्कशन करते थे. जो भी रिलीजन से रिलेटेड है उसका डिस्कशन यहाँ पे होता था. फिर टेम्पल्स भी हमें मिले, ये भी मटेरियल सोर्सेज है. चर्चेस मटेरियल सोर्सेज है. मॉस्क्यू यानि मस्जिद. अग्यारीज यानि जो पारसी लोग होते हैं उनके टेम्पल को कहा जाता है अग्यारीज. जैसे पंजाबी लोगों के टेम्पल को कहा जाता है गुरुद्वारा, क्रिश्चियन के टेम्पल को कहेंगे चर्च, वैसे ही पारसी के टेम्पल को कहा जाता है अग्यारीस. फिर दुर्गाज यानि फोर्ट्स, फोर्ट जो हमने पढ़े अभी वो दुर्ग में आते हैं. फिर मकबराज, जैसे बीवी का मकबरा है ना. मकबरा इज लाइक जो समाधि नहीं, जो हमने ग्रेव्स पढ़े उसके जैसा होता है ये. फिर गुरुद्वारा तो आपको पता है. मॉन्यूमेंट्स हमने पढ़े, मॉन्यूमेंट्स अलग अलग टाइप के बिल्डिंग्स वगैरह, राजमहल, ये सब आ गए मॉन्यूमेंट्स में. स्कल्पचर्स मतलब क्या होता है, स्कल्पचर्स मतलब होता है जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं वो होते हैं स्कल्पचर्स. फिर वेल्स मिले हैं पुराने टाइम के, तो वो जो वेल्स हैं वो भी आ गए हिस्ट्री में. मिनारेट्स यानि मीनारे होती हैं बड़ी बड़ी दीवार जैसी, वो भी आ गए मटेरियल सोर्सेज में. विलेज बाउंड्रीज एंड गेट्स, विलेज होते हैं उनके आसपास में बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी, तो वो है विलेज बाउंड्रीज. क्यों बनाई जाती थी, प्रोटेक्शन के लिए. या विलेज के जो गेट्स हैं वो भी आ गए किसमें, मटेरियल सोर्सेज में. फिर वेपन्स यानि हथियार, यूटेंसिल्स यानि जो भी बर्तन वगैरह हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी, क्लोथ्स यानि कपड़े, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, डेकोरेशन के लिए कुछ आर्टिकल्स यूज़ करते थे वो. फिर टॉयज है, खिलौने, इम्प्लीमेंट्स यानि वही जो टूल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, लाइक मैकेनिक वगैरह, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, ये सब टूल्स हो गए, है ना. फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम पे थे बहुत ज़्यादा फेमस, लाइक वीणा वगैरह वो लोग बजाते थे. ये सब क्या है, ये सब है मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. तो इन सब को स्टडी करके हमें एंशियंट टाइम्स की या मिडिवल टाइम्स की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है. तो ये हमने पढ़ा मटेरियल सोर्सेस. आगे हमें पढ़ना है रिटन सोर्सेस और फिर हमें पढ़ना है ओरल सोर्सेस. तो यहाँ तक आप, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में. बाय बाय.